दूसरी लहर के दौरान दिल्ली के अंदर आई ऑक्सीजन क्राइसिस की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सीजन क्राइसिस कमेटी का गठन किया, समिति का 5 सदस्यीय, और उन्होंने अपनी रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट को सौंप दिया है आज, जिसकी आज हर अखबार और मीडिया में चर्चा भी है। और इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि दिल्ली की सरकार ने जरूरत से 4 गुना अधिक ऑक्सीजन की मांग की। मान लीजिए दिल्ली सरकार को 10 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत थी, लेकिन दिल्ली ने 4 गुना ज्यादा यानी कि 40 मैट्रिक टन की मांग की। पर अब क्या ये सच है कि लोगों को ऑक्सीजन क्राइसिस से गुजरना पड़ा, बिना ऑक्सीजन के लोगों की मौत हुई? ये सच है कि दिल्ली में ऑक्सीजन का क्राइसिस देश की तरह आया और दिल्ली में भी देश की तरह ऑक्सीजन के बिना लोगों ने दम तोड़ा। लेकिन मांग ये थी कि तब 10 मैट्रिक की जरूरत थी, तब 40 मैट्रिक टन मांगा जा रहा था, लेकिन दिल्ली के अंदर तब 10 मैट्रिक टन भी नहीं था, जितनी जरूरत थी वो भी नहीं था, जिसकी वजह से लोग मौत के मुंह में चले गए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद ट्वीट करके इस बात को कह रहे हैं कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से लोगों की मौत हुई, लेकिन वो अपने आप को इसका जिम्मेदार बिल्कुल नहीं बताते हैं, क्योंकि वो पूरे कोरोना काल में पूरी तरह से केंद्र की भाजपा सरकार पर निर्भर रहे। उन्होंने 1 साल में कोई कोशिश प्रयास नहीं किए कि हम दिल्ली का अपना ऑक्सीजन कोई प्लांट लगा ले, जिस वजह से दिल्ली के लोगों को बिना ऑक्सीजन के जो है वो दम तोड़ना पड़ा। आज ये कहते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट की जो समिति है, क्या वो सच्ची नहीं है? वो सच्ची है। क्या ये रिपोर्ट सच्ची नहीं? ये रिपोर्ट भी सच्ची है। अब विवाद कर रहे हैं कि इस रिपोर्ट पे हस्ताक्षर नहीं है सदस्यों को। अब ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास में है, सुप्रीम कोर्ट इसे हस्ताक्षर के बिना मानती है या उसके साथ मानती है, सुप्रीम कोर्ट तय कर लेगा। नहीं, हस्ताक्षर तो करवा लेगी, पर आप क्या सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित की गई इस समिति के ऊपर सवाल उठा सकते हैं? नहीं। क्या आप इनकी रिपोर्ट पे सवाल उठा सकते हैं? नहीं। तो मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल सरकार का केंद्र सरकार पे अति विश्वास, दिल्ली को ले डुबा रहा दोनों की लड़ाई की सच्चाई ये है कि दिल्ली के अंदर लोगों ने ऑक्सीजन और सुविधाओं के बिना दम तोड़ा है। और मुझे लगता है नैतिकता के आधार पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, आपको तो तुरंत इस्तीफा दे ही देना चाहिए, क्योंकि आज आपने ये स्वीकार भी कर लिया कि दिल्ली के अंदर आपकी नाकामियों के चलते, विफलताओं के चलते ऑक्सीजन के बिना लोगों ने दम तोड़ा। दिल्ली में जो कोरोना काल में ऑक्सीजन का पूरा मामला था, उसमें ये जो सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट आई है, ये बहुत भयानक है। सफेद झूठ बोल रहे थे केजरीवाल और मनीष सिसोदिया रोज टीवी पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ा चढ़ाकर 4 गुना ज्यादा झूठी डिमांड केजरीवाल ने और मनीष सिसोदिया ने बताई। कोर्ट को झूठ बोला, जनता को झूठ बोला, टीवी में विज्ञापनों पे झूठ बोला, और उसके कारण 12 राज्यों में लोगों को ऑक्सीजन की कमी पड़ी, लोगों की मौतें हुई, और दिल्ली में भी ऑक्सीजन की कमी से लोगों की मौतें हुई। यह आपराधिक लापरवाही और हत्या का मामला नहीं है तो क्या है? इसके अलावा केजरीवाल की जगह इस वक्त जेल में है, अरेस्ट होना चाहिए अरविंद केजरीवाल जी को, गिरफ्तार किया जाना चाहिए हत्या के मामले में, लापरवाही से हत्या के मामले में, झूठ बोलने के मामले में। अपनी कुर्सी पर बैठकर खुलेआम झूठ बेचना, जब दिल्ली में और देश में लोग मर रहे थे, तब केजरीवाल और मनीष सिसोदिया झूठ बेच रहे थे, ऑक्सीजन की कमी बता रहे थे, 4 गुना बढ़ा चढ़ाकर ऑक्सीजन दिल्ली के अंदर मंगवा रहे थे, और 12 राज्यों में लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया था। ऐसा तमाशा खड़ा किया गया था कि ऑक्सीजन नहीं मिल रही, ऑक्सीजन नहीं मिल रही। सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट है ये, सारी पोल, सारा झूठ, सारी लापरवाही बिल्कुल खुलकर सामने आ गई है केजरीवाल की। मुझे लगता है कि लापरवाही, आपराधिक लापरवाही, हत्या, गैर जिम्मेदारी, इन मामलों पे केजरीवाल को अब कुर्सी छोड़नी चाहिए और उनको जेल में डाला जाना चाहिए, अरेस्ट होना चाहिए अरविंद केजरीवाल का। की कमी को लेके भारतीय जनता पार्टी एक रिपोर्ट, तथाकथित रिपोर्ट के हवाले से लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को गाली दी जा रही है। मैं सुबह से देख रहा हूं कि मीडिया में भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता आके, केंद्रीय मंत्री आके, प्रवक्ता आके, देश के बड़े बड़े नेता आके, जिनके ऊपर देश की बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं, वो कुल मिला के कल आज सुबह से एक ही काम कर रहे हैं, मीडिया में बैठ के, ट्विटर पे बैठ के, सोशल मीडिया में अरविंद केजरीवाल जी को गाली दिए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट बताई जा रही है, तथाकथित रिपोर्ट, कि दिल्ली में जब कोविड का पीक था तो ऑक्सीजन की कमी नहीं थी और ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ा चढ़ा के 4 गुना बताई गई थी, ऐसा तथाकथित रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है। मैं उस तथाकथित रिपोर्ट का सच आपके सामने रखना चाहता हूं, और सच यह है कि ऐसी कोई रिपोर्ट है ही नहीं। जी हां,
मैं दोहरा रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के नेता सुबह से जिस रिपोर्ट को, जिस तथाकथित रिपोर्ट के हवाले से अरविंद केजरीवाल जी को गाली दिए जा रहे हैं, वैसी कोई रिपोर्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती। जी हां, एग्जिस्ट ही नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सीजन मामले की सुनवाई करते हुए एक ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी बनाई। हमने इस ऑक्सीजन कमेटी के, इस ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों से बात की, कई सदस्यों से बात की है। सबका यह कहना है कि उन्होंने तो कोई रिपोर्ट साइन ही नहीं की, अभी तक उन्होंने कोई रिपोर्ट अप्रूव ही नहीं की। जब ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों ने कोई रिपोर्ट साइन ही नहीं करी है, जब ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों ने कोई रिपोर्ट ऑडिट ही अभी अप्रूव ही नहीं की है, तो फिर ये रिपोर्ट है कहां? ये कौन सी रिपोर्ट है? ये रिपोर्ट कहां से आई? मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, जो सुबह से चैनल्स पर बैठ के चिल्ला रहे हैं, उनका गला थक गया होगा, थोड़ा सा पानी पिए आराम से और थोड़ा आराम से ठंडे दिमाग से सोच के देखें कि भैया रिपोर्ट कहां है जिसके बेस पर हम चिल्लाए जा रहे हैं सुबह से। रिपोर्ट कहां है? क्या कोई ऐसी रिपोर्ट है ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी की जिसको उसके सदस्यों ने अप्रूव किया है, जिसको उसके सदस्यों ने साइन करके दिया है? मैं चुनौती देके कहता हूं कि रिपोर्ट लाइए, कहां है वो रिपोर्ट जिसको ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों ने अप्रूव किया हो और जिसको ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों ने साइन किया हो।